बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज पुरी ने कोटा के 3 अदालतों पर खुलेआम भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बिना लेन देन के कोई काम नहीं होता है। भ्रष्टाचार के आरोप में अभिशापक परिषद द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, उपखंड अधिकारी और ACM कोर्ट मुख्यालय का एक दिन का सांकेतिक बहिष्कार करने की घोषणा की। अभिशापक परिषद के अध्यक्ष मनोज पुरी ने आरोप लगाया है कि पीठासीन अधिकारियों द्वारा खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसके कारण आम लोगों को राहत नहीं मिल पाती है। अध्यक्ष के नेतृत्व में वकीलों के CM के नाम पर ज्ञापन सौंपकर तीनों पीठासीन अधिकारियों को हटाने और पिछले 1 साल के फैसलों की जांच करवाने की मांग की है। कोटा में जो रेवेन्यू की अदालतें हैं, ACM मुख्यालय है, SDO है और RAA है, तीनों अदालतों के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार मचा रखा है। लगभग 1 साल से ये लोग पैसे लिए बिना कोई काम नहीं कर रहे हैं। हर मुकदमे में पक्षकार जाते हैं, पैसे देते हैं, जिसको प्रॉपर्टी डीलरों की अदालतें हो गई। प्रॉपर्टी डीलर किसानों की ज़मीनें खरीदते हैं और पटांग फीसते करवाते हैं, मतलब तो लोगों के साथ भारी अन्याय हो रहा है। व्यक्तिगत रूप से मिलकर के हम लोगों को समझाया है। SDO की जो अदालत की हालत तो ये है कि वो अधिकारी मिलना ही नहीं चाहता, डर के मारे भाग जाता है। 2 बार में कोर्ट में गया, PA से बोल के आया, साहब से मिलना है, साहब आते हैं, हम जाते हैं तो पता लगता है वो पीछे के दरवाजे निकलने में हम चाहते हैं। और इतनी चोर बजारी कर रखी है, कोई मुकदमा ऐसा नहीं जिसमें पैसे लेकर के और बिना पैसे लिए फैसला कर रहे हो। हमने ऊपर चेयरमैन जब रेवेन्यू बोर्ड के आए थे, उनसे भी कहा था, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं आ रहा। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने की हमारी मांग है, यहाँ से हटाए कोटा से। और पिछले 1 वर्ष में जो इन्होंने फैसले किए हैं तीनों अदालतों ने, इनके फैसलों की न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होगा, किसने पैसे लेकर के फैसला किया, किसने पैसे लेकर के फैसला नहीं किया। हम क्यों अपने पक्षकार के साथ अन्याय होने देंगे? इसलिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के सामने वकील पैरवी करके अपनी बेइज्जती नहीं करवाएंगे। इन चोरों को यहाँ से हटाओ, नहीं हटाए तो अदालतों का बहिष्कार कर देंगे, हम इन अदालतों में नहीं जाएंगे।